नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे भंडारा की, जहां कत्लखाने ले जाए जा रहे 22 मवेशियों को करवाया गया आजाद। बात होगी चंद्रपुर की भी, यहां घटी नेरी से चिमूर जाने वाली कार की ट्रैक्टर से हुई टक्कर। और साथ ही आगे चर्चा होगी कैमूर की, यहाँ कस्तूरबा विद्यालय में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। खबर भंडारा से, जो कत्लखाने के लिए ले जाए जा रहे 22 मवेशी को छुड़ाने में भंडारा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ये कार्रवाई रविवार 26 मई को की गई। कार्रवाई के दौरान 15 लाख का ट्रक और 1,75,000 रुपए के मवेशी, इस तरीके से कुल 16,75,000 रुपए का माल जब्त किया गया। घटना को लेकर पुलिस ने ट्रक के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि ट्रक बड़ी ही बेरहमी से लाद कर मवेशियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहा था कि पुलिस ने वाहन को रोककर जांच की तो मामला सामने आया। दिनांक 26/5/2024 रोजी रात्री अंदाजे 12-12:30 दरम्यान पेट्रोलिंगला आम्ही असताना एक गुप्त बातमीदारामार्फत आम्हाला माहिती मिळाली होती की सातोना शहापूर रोडवर एका मोठ्या ट्रकमध्ये अवैधरित्या गोवंश जातीचे जनावरे विक्रीसाठी घेऊन जात आहेत। त्या माहितीवरून PSI चालूरकर पोलीस स्टेशन भंडारा व त्यांच्या टीमला आम्ही रेड करण्यासाठी पाठवून गेलो होते। त्या दरम्यान गाडीला थांबून गाडीची झडती घेतली असता गाडीमध्ये जवळपास 22 गोवंश जनावरे किमती आणि ते ट्रक असा किमती जवळपास 16,75,000 रुपयाचा मुद्देमाल आम्हाला तिथं मिळून आलेला आहे। जो गाडी चालवणारा ट्रक ड्रायव्हर होता तो आम्हाला पोलिसांना पाहून लगेच पळून गेलेला होता रात्रीची घटना असल्यामुळं। आणि जो ट्रक मालक आहे तो ट्रक मालकाची माहिती घेतली असता तो ट्रक जो आहे तो मध्य प्रदेश येथील एका व्यक्तीच्या नावाने ट्रक आहे आणि जो पळालेला ट्रकचा ड्रायव्हर आहे तो नागपूर येथील असल्याची माहिती मिळालेली आहे। नमूद चालक आणि मालक दोन्ही विरुद्ध आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे। महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियमच्या कलमानुसार त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केलेले आहेत। पुढील तपासामध्ये त्यांना आणून पुढची कारवाई करत आहोत। महाराष्ट्र के भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल योनोरकर की रिपोर्ट। खबर भंडारा से, जहां लाखनी तालुका के गांडे गांव में 26 मई की शाम पुरानी जमीन के विवाद को लेकर बुजुर्ग दंपति को जाति सूचक गालियां देते हुए बेरहमी से पीटा गया। जानकारी के मुताबिक बगल में रहने वाले 35 वर्षीय ऋषि बबन हलमारी ने नशे की हालत में घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति पर जानलेवा हमला किया। वहीं घटना के बाद से बुजुर्ग दंपति दहशत में हैं। इस मामले में बुजुर्ग दंपति ने लाखनी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जहाँ पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। भंडारा से सीनियर संवाददाता निश्चल योनोरकर की रिपोर्ट। खबर चंद्रपुर से, जहाँ चिमूर के नेरी के बीच कदम गांव के पास 10 बजे रात को एक दुर्घटना घटी। नेरी से चिमूर जाने वाली एक कार ट्रैक्टर से जा टकराई। बताया जा रहा है कि नेरी ओर से कार चिमूर की ओर जा रही थी और ट्रैक्टर चिमूर से मोटे गांव जा रहा था, लेकिन रास्ते में कदम गांव के पास कार और ट्रैक्टर के बीच में टक्कर हो गए, जिसके कारण कार का भारी नुकसान हुआ है। लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है। चंद्रपुर से सीनियर संवाददाता एफआज पठान की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भगवानपुर में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना और इससे संबंधित स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व पर चर्चा करना है। मुख्य वक्ता के रूप में पिरामल फाउंडेशन गांधी फेलो सुधांशु प्रोग्राम रीडर अमलेश और राकेश ने मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखने के तरीकों पर विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने मासिक धर्म के दौरान उपयोग में आने वाले विभिन्न स्वच्छता उत्पादों के उपयोग और उनके सही निपटान पर भी प्रकाश डाला। विद्यालय की छात्राओं ने भी इस कार्यक्रम में सक्रियता और भागीदारी दिखाई। उन्होंने अपने अपने अनुभव साझा किए और मासिक धर्म से जुड़े मिथकों और गलत फहमियों पर चर्चा की। इस अवसर पर विद्यालय के पिरामल फाउंडेशन के अमलेश, राकेश और सुधांशु समेत कई लोग मौके पर मौजूद रहे और कर्मचारियों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज करवाई। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां 813 बूथों पर भयमुक्त माहौल में चुनाव कराने को लेकर पुलिस की गतिविधियां तेज हो गई हैं। पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने सेक्टर में तैनात पुलिस पदाधिकारियों को दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से करने के दिशा निर्देश दिए हैं। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।